कैसे हो आप सभी लोग, ऐसा करता हूँ क्या ठीक हो गए। तो आज हूँ मैं अपनी तो न्यू वीडियो लेकर जिसमें हम बनाने जा रहे हैं केक का व्लॉग। तो बस आप देखो अभी। तो अब हमको यहाँ चाहिए बिस्किट्स, आई थिंक 5 चाहिए बिस्किट्स, और उसके बाद एक इनियो का पैकेट। तो अभी उसके बाद गरम दूध भी चाहिए। चलो अभी और थैंक यू ये अब इसको तोड़ कर डालते हैं। हाथ गंदे हो गए अभी। फ्रेंड्स हमने ये कर दिया है क्रश, तो अब इसको हमने मिक्स करना है। मिक्स करना ग्राइंड वाली ही इसका वो हाँ बस कर। अभी हमको इसको थोड़ा सा और करना पड़ेगा क्योंकि अभी ये बहुत कम हुआ है मिक्स। तो अभी करते हैं मिक्स में, इसको कर दिया पूरे अच्छे से ग्राइंड। अब इसको डालते हैं तो अब इसमें डाल दिया। अब इसको मिक्स करना है जब ये मैं दो कोई बात नहीं, एक मिनट बस। बस ये गरम मिल्क है, अब हमको थोड़ा थोड़ा कर इसके अंदर डालना। बस मिक्स करना और ये चीज बताना भूल गया कि ये ओरियो बिस्किट के बने हैं। अच्छे से मिक्स करो। तो अभी हमको इसको अच्छे से मिक्स करना है और इसको थोड़े टाइम तक मिक्स ही करते रहना है। तो ओके, एक पैकेट इनो को इसके अंदर डालना है। सारा पूरा पैकेट डालना है। तो इसको इसको अब मिक्स करते हैं। तेज थोड़ा सा करता हूँ। तेज नहीं करना, ये क्या कर रहे हो? आराम से करना होता है। ओके तो अब बस इसको अच्छे से मिक्स करते जाना है और थोड़ा सा जिसमें आपको ये बनाना है उसके अंदर ये थोड़ा सा ऑयल डालकर ऐसे ड्रेसिंग कर देनी है। तो अब डाल दें इसमें चिपके नहीं के इसलिए तब डाल देते। तो अब बस डालना है इसके अंदर। फ्रेंड आपने इसको ऐसे तीन बार ही करना है, चार क्योंकि इसके तब बबल्स निकल जाएंगे तीन चार बार। तो बस अब माइक्रोवेव में डालते हैं। आपको जो भी अच्छा लगे ना, जिसके अंदर आपको ये डालना है तो आप उसके अंदर डाल सकते हो। ये पूरा जो क्या कहते हैं इसको मोल्ड, हाँ मोल्ड डाल देना। और कितने टाइम रखता है? 1-5 मिनट्स।
चलो अब तब तक के लिए वेट करते हैं। रखा है हमने ये पूरा, आपको इसको 5 मिनट्स देना है। ओके तब तक के लिए वेट करते हैं। वीडियो अब ये फ्रेंड जल्दी सोए, अभी 2:53 का है। अभी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ बाहर से, क्योंकि अंदर से दिखाना इम्पॉसिबल है। ही दिख रहा नहीं, शायद से दिख रहा होगा, इसके अंदर केक पड़ा है अभी भी ये, और देखो कैसा है। अभी से इतनी शेप अच्छी आ रही, तो अभी कर, तो अभी ये बन रहा है अच्छे से। अभी भी इसके इसका 1 मिनट और 48 सेकंड्स लगते हैं। फ्रेंड्स हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे, और अगर आपका बाहर मतलब कि थोड़ा सा चिपक कर बाहर आता है और चाकू नीट एंड क्लीन नहीं है, तो मतलब कि आपका अभी जो ये केक है वो अभी ठीक से प्रिपेयर नहीं हुए हैं। अगर बड़े अच्छे से बाहर आ गया नीट एंड क्लीन, तो अब हम इसको ठंडे होने के लिए रख देंगे थोड़ी देर। अभी हमने इसको रख दिया था ठंडा होने के लिए, उसके बाद हमको इसके एजेस को थोड़ा सा क्लीन कर देना है ऐसे। तो अब इस प्लेट को ऐसे उल्टा कर देना है, थोड़ा सा गर्म है, इसको जल्दी से उल्टा कर देना है, थोड़ा सा गर्म लगा और ये केक आ गया। केक भी आ गया अच्छे से हमारा, और इसको अगर ट्रायंगुलर है, ट्रायंगुलर, और अगर थोड़ा क्या हुआ हार्ट बन जाएगा ना, आप इसका अब रहने दो, थोड़ा सा कट कर दो, हार्ट बन जाएगा, नहीं बना मिशन फेल्ड। अच्छा छोड़ो, ऐसे काटना है। और ये पीस हमने जिन्होंने केक बनाया है हम उन्हीं को ही खिला देते हैं, हॉट एंड हॉट, हॉट हॉट केक, गरम गरम। अच्छा आप खा लो और फ्रेंड्स आप भी खाओ अगर अच्छा। तो आ जाओ अब इसकी कटिंग करते हैं। अगर आपको भी कम टाइम में अपना केक बनाना है घर पर, तो आप ये वाली वीडियो बिल्कुल भी पूरी देखो। अभी तो बन चुके हैं, तो अब हम कटिंग करने चलते हैं। आज कितने इजीली ये केक आप बना सकते हो अपने घर पर, और लाइक कर दो अभी। तो अब इसको केक कटिंग करते हैं, और कमेंट्स में बताना कि आपको आपका कैसा बना। तो अब इसकी कटिंग करते हैं, और आज कोई स्पेशल ओकेजन नहीं था, इस ऐसी केक बना दिया। तो आ जाओ अब आपको देखो कितना अच्छा और कितना टेस्टी बना है ये केक। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना बिल्कुल भी मत भूलना, और अपने फ्रेंड में ज्यादा शेयर करना। तो बस आज के लिए इतना, बाय बाय।